अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर और मैं स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों का सर्जन हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत अहम और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो एक जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये बच्चों से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेन और उर्दू में कहते हैं दर्द शकीका या आधे सर का दर्द। आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये दर्द शकीका क्या होता है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी अलामत के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सर दर्द बहुत सी किस्मों के हैं, और जब सर दर्द होता है तो पता नहीं चल रहा होता कि ये किस वजह से हो रहा है, इसकी पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुहरिकात हैं और इसकी क्या तशखीस है, ये किस बीमारी की वजह से हो रहा है। आमतौर पे सर दर्द खुद एक बीमारी नहीं होती, वो किसी और मसले की वजह से हो रहा होता है। दिमाग की बीमारियां हैं जिसमें उनकी वजह से हो रहा होता है, लेकिन कुछ सर दर्द ऐसे हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी हेडेक है। ये बगैर किसी और बीमारी से रिलेटेड नहीं है, ये खुद एक बीमारी है। तो माइग्रेन जो है वो खुद एक बीमारी है, इसमें किसी और डिजीज़ का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसकी जो अलामत हैं माइग्रेन की वो बहुत टिपिकल होती हैं, दूसरी जो किस्म के सर दर्द हैं उनसे ये बिल्कुल मुख्तलिफ इसकी अलामत होती हैं। और इसकी अलामत को हम आमतौर पे तीन या चार क्लासेस में तकसीम करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर एंड पे। देखें, सबसे पहले जब इसकी अलामत स्टार्ट होती हैं, जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है वो बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं कि सबसे पहले एक फेज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑरा। ऑरा क्या होता है, जैसे आप वो सिंपल अल्फाज में कहें कि बारिश से पहले जैसे बादल आते हैं तो पता चल जाता है बारिश होने वाली है। तो इसमें भी जो मरीज होते हैं उनको पहले पता चल जाता है कि उन्हें ये अटैक माइग्रेन का होने लगा है। तो जो वो अलामत हैं जो सर दर्द से पहले स्टार्ट होती हैं उनको ऑरा कहते हैं, और ये भी मुख्तलिफ अलामात होती हैं, हर किसी में एक अलामत नहीं होती। इसमें क्या क्या अलामात हो सकती हैं, इसमें शुरू में आंखों के आगे धुंधलापन आ सकता है, मतली हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, आंखों के आगे ब्लैक स्पॉट्स नज़र आना, काले दायरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा बिनाई आपको कमज़ोर लगना शुरू हो जाती है कि नज़र कम आना शुरू हो जाता है, धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस ये जब अलामतें शुरू होती हैं तो इंसान को पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन का अटैक होने वाला है। तो पहली फेज है ऑरा, और दूसरा फेज है फिर अटैक, जो सीवियर होता है ज्यादातर, लेकिन बाज़ दफ़ा इसकी जो अटैक का जो सीवियरिटी है वो कम भी हो सकती है। और आमतौर पर जब ये अटैक होता है तो ये 4 घंटे से 3 दिन तक ये रह सकता है। इस दौरान में किसी भी इंसान में ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन जो एक अटैक है मुसलसल वो 72 घंटे तक 3 दिन तक रह सकता है। तो ये इसकी अलामत होती हैं। और आमतौर पे जो ऑरा होता है, जो फेज़ स्टार्ट होता है, तो उसमें जो सर दर्द है वो ऑरा में शुरू की अलामतों के बाद जो अगली अलामत होती है वो आँख के पीछे सर में दर्द होता है आमतौर पर, या फिर कान के पीछे सर में दर्द होता है, या फिर ये पट्ठे हैं इनमें खिंचाव शुरू हो जाता है। तो ये वो अलामतें होती हैं जो पहली अलामतें होती हैं, और आंख के पीछे दर्द होने इसके बाद फिर वो पूरे सर आधे सर में दर्द होता है। और ये दर्द खास तौर पे इस तरह फील होता है जैसे जिसको हम लफ्ज यूज़ करते हैं थ्रोबिंग हेडेक है, या पल्सेटाइल हेडेक है। पल्सेटाइल का मतलब ये है कि जैसे हमारी नब्स चल रही होती है ना, नब्स के साथ आपको ऐसे लगता है कि टीसें उठ रही हैं दर्द की। तो ये बहुत एक स्पेसिफिक किस्म का दर्द होता है, और जे जिन लोगों को 2-3 दफ़ा हो उन्हें पता चल जाता है कि ये मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो माइग्रेन जो है वो बाकी जितने भी सर दर्द हैं उनसे डिफरेंट होता है। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं, देखें माइग्रेन की कोई वजह नहीं है कि इस वजह से हो रहा है, नहीं कह सकते। इस पे जितनी भी स्टडीज हुई हैं अभी तक नहीं आइडेंटिफाई किया जा सका कि किस वजह से हो रहा है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, मतलब बहुत सी वजूहात हैं, उनमें से कोई एक वजह किसी इंसान में हो सकती है और उसके बाद सर दर्द शुरू हो जाता है।
तो इनको हम कहते हैं ट्रिगर्स क्या हैं, मिग्रेन के ट्रिगर्स क्या हैं। देखिए बहुत से ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स पे जाने से पहले मैं ये डिस्कस कर लेते हैं कि किन लोगों में ज्यादा मिग्रेन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रिगर भी इसी से रिलेटेड है। जिनको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, कौन से लोग हैं जो रिस्क पे होते हैं कि उनको मिग्रेन होगा। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली में किसी एक को होता है तो बहन भाई बच्चे, माँ बाप को है तो बच्चों में, तो ये चांस बढ़ जाता है फैमिली हिस्ट्री का। दूसरे नंबर पे आता है एज। वैसे तो माइग्रेन किसी भी एज पे हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ये यंग एडल्ट्स में शुरू होता है, और सबसे जो मैक्सिमम एज है इसकी वो 30 की दिहाई वाली एज है, 30s है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और आमतौर पे ओल्ड एज में ये ख़त्म हो जाता है, नहीं होता। और तीसरी जो चीज़ है वो है जेंडर, जेंस, जो ख़वातीन हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। तकरीबन जो ख़वातीन हैं वो 3 times ज़्यादा अफेक्ट होती हैं मिग्रेन से एज़ कम्पेयर टू जो मेल्स हैं उन लोगों से। और फिर तीसरी चौथी चीज़ आती है जो हार्मोनल चेंजेस हैं, और हार्मोनल चेंजेस भी स्पेसिफिक हैं फीमेल्स के साथ, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जब ज़्यादा होते हैं तो उसका ताल्लुक है मिग्रेन वो इंक्रीज हो जाता है। तो हार्मोनल चेंजेस भी फीमेल्स से हैं, शायद यही वजह है कि फीमेल्स में मिग्रेन के जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये है रिस्क फैक्टर्स। अब आते हैं ट्रिगर्स क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बहुत सी वजूहात हैं जो ट्रिगर करती हैं, ठीक है, उनको कुछ को मैंने क्लासिफाई किया है एक आप कह लें कि नंबरिंग के साथ। वो सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जो एस्ट्रोजन की बॉडी में लेवल कम ज़्यादा होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मीनोपॉज में, तो हार्मोनल चेंजेस में मिग्रेन अटैक ज़्यादा होते हैं, या वो ख़वातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर रही होती हैं उनमें भी ज़्यादा एस्ट्रोजन होती है तो उनमें भी मिग्रेन के अटैक ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर हैं ड्रिंक्स। कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जो मिग्रेन को ट्रिगर करते हैं, ख़ास तौर पे जो वो ड्रिंक्स जिसमें जो कैफीन होती है, जैसे कॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, तो ये ड्रिंक्स जो हैं ये भी मिग्रेन के अटैक को एक उसका अटैक करवाते हैं, ट्रिगर करते हैं। तीसरे नंबर पे है स्ट्रेस, एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस और डिप्रेशन। वैसे तो स्ट्रेस में डिप्रेशन में जो सर दर्द होता है वो पीछे होता है, सर दर्द बैक पे और पीछे पट्टे खिंचा होते हैं, उनको हम कहते हैं टेंशन हेडेक। लेकिन मिग्रेन को भी जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो ट्रिगर करती है, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है। इसके बाद आते हैं सेंसरी स्टिमुलाई, जिनको जो आप कह लें कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो कहीं पर, वो मिग्रेन अटैक को ट्रिगर कर सकता है। बहुत ज़्यादा रोशनी हो, आँखों में चुभने वाली रोशनी हो, वो मिग्रेन के अटैक को ट्रिगर कर सकती है। तो ये जो सेंसरी स्टिमुलाई हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कि बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा लाइट, ये मिग्रेन के अटैक को ट्रिगर करती है। उसके बाद आती हैं स्लीप चेंजेस। बहुत ज़्यादा सोए रहना, सो के उठेंगे आप कहेंगे मैं तो बड़े 12 घंटे सोया हूँ उसके बावजूद मुझे दर्द शुरू हो गई है, तो बहुत ज़्यादा सोना और बहुत कम सोना, इन दोनों, ये दोनों फैक्टर हैं जो मिग्रेन को ट्रिगर करते हैं, मिग्रेन के अटैक करवाते हैं। तो स्लीप चेंजेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आ जाती हैं फिजिकल एग्जर्शन, थकावट, जिस्मानी तौर पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया, थकावट हो गई है, उसके बाद भी मिग्रेन ट्रिगर होता है। उसके बाद आ जाती हैं कुछ मेडिसन्स हैं, मेडिसन्स के इस्तेमाल से भी मिग्रेन ट्रिगर होता है, जिसमें ख़ासतौर पर मैंने बताया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। तो ये वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो आपको मिग्रेन को इंक्रीज करते हैं। और एक लास्ट पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो लंबा पीरियड हो जाए आपका, जिसमें आपने खाना ना खाया हो, मतलब खाने की एक रूटीन ना हो, आपने 12-14 घंटे 16 घंटे की दरमियान में अगर वक्फा आ जाए, जिसको हम कहते हैं फास्टिंग का पीरियड बढ़ जाए, तो उसमें भी मिग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। अब किसी इंसान में कोई एक हो सकता है, ठीक है, और किसी में कोई दूसरा हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस शख्स को, जिस इंसान को मिग्रेन होता है, उसे आइडेंटिफाई करना कि उसको कौन सा फैक्टर है जो उसके दर्द को शुरू करवा देता है। कहीं शोर शराबे से होता है, किसी को लाइट से होता है, किसी को ज़्यादा नींद से होता है, किसी को कम नींद से होता है, किसी को ज़्यादा देर भूखा रहने की वजह से होता है, किसी ने कोई ड्रिंक पी लिया उससे होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आप उससे अवॉइड करके मिग्रेन को ठीक रख सकते हैं अपने आप को।
अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए ट्रीटमेंट को तकसीम करते हैं दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप बात तो ये है कि आपने प्रिवेंट कैसे करना है कि आप अभी आपको नहीं है अटैक तो आप ये चाहते हैं कि मुझे अटैक ना हो, इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन कि अटैक होने से पहले ही उसको रोकना। दूसरा यह है कि अब दर्द शुरू हो गई है, अब दर्द को कैसे रोकना है, ठीक है, इसको कहते हैं अबॉर्टिव ट्रीटमेंट कि दर्द को स्टॉप कैसे करना है, अबॉर्ट कैसे करना है। तो दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिवेंशन इसकी कैसे कर सकते हैं। बहुत सी मेडिसन्स हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ती हैं जो माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करती हैं। मैं सिर्फ नाम बता देता हूं और नाम भी उनके कोशिश करूंगा कि जो जेनेरिक नेम है वो बताऊं, जो आप मार्केट में मिलती हैं दवाइयों गोलियों के नाम वो ना बताऊं। उसकी वजह ये है कि ये जितनी भी ट्रीटमेंट होती है ये डॉक्टर के मशवरे से डिस्कस किए बगैर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत जिनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होती हैं और उनके अगर प्रॉपर इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो एक दवाई है जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए वैसे इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम एक ग्रुप है पूरा जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। बीटा ब्लॉकर्स अगर दिए जाएँ ख़ासतौर पर इनमें जो बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रानोलोल, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो इफ़ेक्टिव भी है। उसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए तो माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो नहीं होते, माइग्रेन को प्रिवेंट करता है। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं एंटी डिप्रेसेंट कुछ ड्रग्स हैं, ख़ासतौर पे उनमें जो एक ग्रुप है जिसको हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, इनके इस्तेमाल से भी माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती हैं एक नई तहकीक है और नई स्टडी है बोटॉक्स इंजेक्शन। बोटॉक्स इंजेक्शन हर महीने लगवाना पड़ता है, उससे भी माइग्रेन के अटैक्स बहुत हद तक कंट्रोल रहते हैं, नहीं होते। और एक लास्ट पे इंजेक्शन है, ये भी मंथली इंजेक्शन लगता है, इसको कहते हैं कैल्सिटोनिन रिलेटेड कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये जो इंजेक्शन हैं इसका मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, बहरहाल ये इंजेक्शन भी माइग्रेन की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे है कि जो ट्रीटमेंट है, अब दर्द हो गई है अब क्या करें। आम तौर पे जितनी भी दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयां हैं माइग्रेन में, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब दर्द फुल हो जाती है उसके बाद जो ज़्यादातर दवाइयां हैं वो मुअसर नहीं होती, उनका असर नहीं होता। आप खा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दर्द हो गया है, बड़ा शदीद दर्द है और आपने जाके पैनाडोल खा ली, कोई असर नहीं होगा। आपने ब्रूफेन खा ली, कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो कहा यह जाता है कि जब आप ऑरा का फेज हो, जब आपको पता चल जाए कि अटैक होने वाला है, आप उस वक्त मेडिसिन ले लें तो दर्द कंट्रोल हो जाएगा। अगर दर्द के दौरान लेंगे तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल होती हैं, उनका इफ़ेक्ट नहीं आता। अब कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे कॉमन जो दवाई है वो आपकी आइबुप्रोफेन है, जिसको ब्रूफेन आप कहते हैं। आइबुप्रोफेन का इफेक्ट उस वही बात है, बाद में नहीं आएगा, शुरू में लेंगे तो आएगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है। ये मेदे में अल्सर करती हैं और ज़्यादा इस्तेमाल और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल जो है वो इसका मुनासिब नहीं होता। दूसरे नंबर पे एक ग्रुप है मेडिसन का जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टेंस, जिसमें सुमीट्रिप्टन एक कॉमन मशहूर दवाई है जो इसके दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक तीसरी दवाई है जिसको डाईहाइड्रो अर्गोटामीन कहते हैं, ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी होता है और ये नेजल स्प्रे की फॉर्म में भी होता है, ये भी लगाते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसका बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि ये नौजिया और वॉमिटिंग करवाती है, मतली और उल्टी आती है इससे। तो जो पहले ही माइग्रेन में मतली और उल्टी आ रही होती है और अगर ये दवाई इस्तेमाल कर लें तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो करती है, तो ये बहुत एहतियात से और केयरफुली इस्तेमाल करनी चाहिए। तीसरी चीज़ पे लास्ट मेडिसन जो माइग्रेन के अटैक को कम करती है, ख़त्म करती है, वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं लेकिन उनका इस्तेमाल भी बहुत केयरफुली करना चाहिए। इनको हम कहते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक, ओपियाइड या दूसरे लफ्ज़ों में नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं जिनके अंदर कोडीन होती है। एक मशहूर आपके जो दवाई है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वो ट्रामाडोल है, ट्रामाडोल कैप्सूल और टैबलेट की फॉर्म में आता है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और एक और आप कह लें कि जो ब्रूफेन प्लस है, ब्रूफेन प्लस में भी कोडीन ऐड की हुई होती है।
और इसी तरह से टोनोफ्लेक्स ट्रामाडोल है, तो ये वो दवाइयाँ हैं जो मिग्रेन के हेडेक को, दर्द को ख़त्म करती हैं। और ओपियाट्स का ये फ़ायदा होता है कि ये जब भी आप लेंगे जो दर्द है वो ख़त्म होगा, चाहे शुरू में ले लें चाहे अटैक के दौरान ले लेंगे। तो लेकिन ओपियाट भी आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर और इनकी मकदार डॉक्टर से पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी जितनी भी ओपियाट्स होती हैं ये डेंजरस होती हैं, अगर ओवरडोज कर देंगे तो सांस में रुकावट तक हो सकती है, तो ये डेंजरस है बगैर डॉक्टर की एडवाइस के। ये तो हो गई मिग्रेन की ट्रीटमेंट। अब लास्ट पे जल्दी से मैं आपको बता दूं कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं जो आप कर सकते हैं जिनसे आप मिग्रेन से बचे रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि जब आपको स्टार्ट होने लगे मिग्रेन, जैसे आप कहते हैं कि ऑरा स्टार्ट होने लगा है, तो आप एक कमरे में चले जाएं, लाइट साफ कर दें, आंखें बंद करके लेट जाएं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कोई ठंडे पानी से कोई टॉवल या कोई कपड़ा या कोई आइस पैक जो है वो अपने माथे पे रखें, उससे जैसे आप टकोर करते हैं वो करें, या आप गर्दन के पीछे रख के लेट जाएं, इससे दर्द नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अपनी सोने की एक रूटीन बनाएं कि इतने घंटे सोना है, ना कम सोना है ना ज़्यादा सोना है, ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, ये इससे मिग्रेन ठीक हो जाएगा, नहीं होगा मिग्रेन। तीसरे नंबर पर अपनी ईटिंग हैबिट बनाएं कि फिक्स टाइम बना लें, कि रूटीन बना लें कि मैंने इस टाइम पर खाना खाना है, उससे लेट नहीं करना, लेट करेंगे प्रॉब्लम हो सकती है। चौथे नंबर पे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जितने भी फ्लूइड्स हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे मिग्रेन में कमी आती है। चौथे नंबर पे आप अपनी एक रूटीन बनाएं, आप एक वो कहते हैं कि हेडेक डायरी बनाएं, आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो हेडेक है वो क्यों हुआ है, उसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था, नींद की कमी थी, खाना नहीं खाया था, कोई शोर शराबा हो रहा था, कोई तेज़ लाइट में आप चले गए, या कोई आपने मेडिसिन इस्तेमाल की है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फैक्टर क्या है, तो फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज रेगुलर करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से मिग्रेन के अटैक्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, थोड़ा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोगों को मेन मेन बातें जो है मिग्रेन की वो हम डिस्कस कर लें। आपका कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। और मेरी आप लोगों से आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।